अगर आप अपनी गाड़ी की बेस्ट डील करना चाहते हैं तो हूँ जहाँ पर लड़की को लाइबिलिटी जाता है।, बोलो के कभी को लड़की चलाती है कभी देखा है इसने ये कौन सी लड़की पैदा हो गई है जो बाइक चलाती है अच्छा। बहुत जलालत हुई बहुत जलील किया गया मुझे और मुझे लगा कि मैं मतलब कोई अवारा तरीन लड़की हूँ ज मेरा नाम है सुनील मंज और मैं वीज ऑफ पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खुद में हाजिर हूँ आज हमारे साथ सना फ़खर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में मीडिया से तो पहले भी रिलेटेड हैं इससे पहले फिटनेस के अंदर भी उनका बहुत शौक था लेकिन रिसेंटली मुझे पता लगा कि इनको बाइक्स का बहुत शौक है एनीथिंग रिलेटेड टू व्हील्स हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए उसको कवर करें तो आज हमने इनसे टाइम लिया है एंड शी इज़ काइंड इनफ टू गिव अस टाइम बहुत शुक्रिया सना थैंक यू तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे ना कि हाउ कम इन पाकिस्तान बीइंग अ फीमेल देखें गाड़ी चलाना हमारे मुल्क में काफ़ी अर्से तक खवतिन जब चलाती थी तो लोग बड़ा उसको मयूब समझते थे बट आता आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरनालाइज हो गया और अब खुतान का गाड़ी चलाना इतना मयूब नहीं समझा जाता लेकिन अभी भी आज की एज में बाइक जो है वो खातन का चलाना पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोसाइटी उसको एक तो वेलकम करती है दूसरा बाइक के बाद भी एक नॉर्मल बाइक चलाने में तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ लाहौर में भी कराची में भी कि खवन जो है रिक्शे भी चला रही हैं स्कूटीज भी चला रही हैं जो कि बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से बट बीइंग अ फीमेल ड्राइविंग अ सुपर बाइक सुपर बाइक से भी अब तो हारले भी मैं देख रहा जो आप वर्जन चला रही हैं वट आई वज सरप्राइज टू सी कि आप फैट बॉप जो है वो चला रही हैं सेवनटी हंड्रेड तो कैसे ये जर्नी शुरू हुआ शुरू से बाइकिंग का शौक़ था कि आपने कहा कि हमारे मुल्क में एक ये भी बड़ा शौक है कि अगर आपको मीडिया में ऊपर आना तो किसी बाइक के साथ तस्वीर के चले तो फॉर्म ऊपर आए थे सो इज इट वन ऑफ या आपको वाकई शौक है बेसिकली आई वुड लाइक टू से थैंक यू कि आप लोगों ने इस चीज़ को इनलाइटन किया है देखें ये एक स्किल है बाइकिंग इज़ अ स्किल और आज की जरूरत भी है, ठीक है। आप टिकटॉकर को तो प्रमोट कर रहे हैं जो लड़की बाइक चलाए उसको कह रहे हैं ये गलत है मुझे ये चीज समझ नहीं आती ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है और आई नो के लोग बहुत बहुत टैलेंटेड हैं टिकटॉकर में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि उसमें माँ बाप नहीं देख रहे जबकि ये एक आज की जरूरत है अगर आप अपनी लड़की को आ, एक खातून को बाइक चलाना आती है तो उसके लिए कितनी आसानी हो जाती है ज़िंदगी में हाँ, मोबिलिटी हो जाती है और आपको पता है कि इस वक्त जिस जगह पर हम रहते हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर आ, औरत का जो है वो किरदार ज़्यादा होता है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में बच्चों को देखने में वो कॉलेज जाती है या वो कुछ सीख रही है अगर वो बाइक चलानी उसको सही से आती हो और ये स्किल है ना शौक भी होता है उसके बाद आप जब उसकी मुखालफत होती है तो नेचुरली एक डिस्करेजमेंट आ जाती है कॉन्फिडेंस आपका शैटर्ड हो जाता है mm -hmm. फिर उसके बाद आप बाइक के साथ तस्वीर भी नहीं खिंचवाते सो यू नो द काइंड ऑफ दोनों आपको एक्सट्रीम मिलेंगे बिल्कुल ठीक सबसे पहले तो मैं ये बता दूं मैं भी उन्हीं फैमिली में से हूं जो आप अक्सर आप सुनते होंगे जहां पर लड़की को लाइबिलिटी समझा जा जाता है आई बिलोंग टू मुल्तान जहां बहुत कंजर्वेटिव भी सोसाइटी होती है मैक्सिमम तो वहाँ पर तो आप तस्वर ही नहीं कर सकते कि आप बाइकिंग करें सही है। जब भी मैं अपने कज़ंस को देखती थी बड़े जो मुझसे एज में बड़े होते थे और वो बाइक पे आते थे तो सम हाउ एक तो मुझे बहुत फैसिनेट करता था ये बाइकिंग फिर दूसरा ये लगता था कि हाउ कैन आई इम्प्रेस माई पेरेंट्स यू नो जबकि लड़कों को इतनी अहमियत देती शायद वो बाइक चलाते हैं शायद वो ये कर सकते शायद हम नहीं कर सकते नहीं। नहीं। तो उस तरह से मैं समझती थी कि ये एक स्किल जो है वो बड़ा ज़रूरी है अगर आ गया तो फिर मैं तो लड़कों की तरह हो जाऊंगी तो मैंने एक दिन प्लान बनाया क्योंकि मेरे अबू जो हैं वो सो जाते थे दोपहर को एक नैप लेते थे दो घंटे के बाद उठते थे वो दो घंटे की टाइम मैंने नोट किया हुआ था तो मैं इंतजार करी थी कि अभी ये सोते हैं तो मैंने उनकी चोरी बाइक की चाबी निकाली मेरा भाई मुझसे छोटा है दो साल तो मैंने क्या किया उसके कपड़े पहने जो कि मुझे सलवार उसकी यहाँ तक सलवार कमी थी जेंट्स ना तो यहां तक आती थी पैंट भी पहनती थी यहाँ तक आती थी तो वो कपड़े मैंने उसके जेंट्स कपड़े पहने अकेली इसलिए नहीं की कि, कि डर लग रहा था कि अपने भाई को बोला कि तुम पीछे बैठो बस मुझे पकड़ के तुम बैठ जाना ऐसे फील हो के ना कि जैसे आदमी जा रहा। और मैंने अपने अबू का वो एक होता है तो मैंने वो लिया और उसको मैंने पूरा बालों को ऐसे करके ना जैसे आदमी रूरल एरिया में लोग ऐसे करके बांध देते हैं ना एक पटका टाइप वो मैंने अपने बाल वो कर लिए ठीक है उसके तो बाद मैंने यहाँ से, यहां करें से करें हाँ ऐसे कर लिए तो उसके बाद पूरा मैंने अपना आपको ना कि मैं एक आदमी हूं गया मैं, मैं एक मेल हूँ ताकि मुझे कोई रोके ना अब ये था कि मुझे ना उसका गेयर चेंज नहीं करना आता था और मुझे सिर्फ ब्रेक लगाने आती थी मुझे नहीं आता था तो मैंने कहा कि, तो कि, मैं कि, मैं कि मैं जाऊँ अब मैंने भाई को बोला कि तो पहले, गेर में जाने पहले गेर पे फिर कहीं रोक लो फिर सीधा चले जाऊं मैं कहूँ टर्न क्योंकि मुझे टर्न करनी नहीं आती थी एक जगह मुझे थोड़ा सा खुला सा रोड मिला मैंने कहा यहाँ से टर्न करती हूँ तो वहां पर नाका लगा हुआ था अब मैंने जैसे किया क्योंकि मेरा ध्यान नाके की तरफ नहीं गया तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया उन्होंने कहा कि ये टीन लड़का है उनको भी ऑब्वियसली uh, मना होता है जो कि एक्चुअली मैंने गलती की दैट वाज माय फॉल्ट कि मैंने इतनी छोटी उम्र में इतनी दूर में बाइक चला के ले गई विच इज़ इलीगल तो क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने मुझे रोक लिया और मैं पहले तो अब मैं बोल ही नहीं रही क्योंकि मैं बोलूँगी तो उनको पता चल जाएगा मैं लड़की हूँ तो वो मुझसे कोई कहाँ से आ रहे हो लाइसेंस दिखाओ और मैं चुप और वो मुझसे सवाल पूछी जाए और मैं चुप सही और उसने बोला बोल क्यों नहीं रहे गूंगे हो क्या तो मैंने रोना शुरू कर दिया आई स्टार्ट क्राइंग एंड आई सेड वो मैं रास्ता भूल गई हूँ मुझे तो वो बेचारे को समझ आ गई कि तो लड़की है तो अब खैर वो पुलिस वालों ने वाले शॉक में नहीं गया हाँ हाँ शॉक में गया वो उसने कहा हुई 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 तो फिर वो बेचारा पहले थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया फिर उसने कहा पता नहीं है कि बच्ची क्या घर से भागी है या क्या हुआ है या क्या चक्कर किया बच्चा भी बैठा हुआ है तो फिर उसने थोड़ा सा ना वो किया उसने कहा किधर है आपका घर में आपको तो देवर वेरी नाइस पुलिस वाले भी हाँ तो उन्होंने आगे गाड़ी लगा के तो उन्होंने मेरी बाइक मोड़ी और और मैंने चाके अपने और मैंने अपने घर गई तभी उसके बाद अपनी अम्मी को बताया अपने अबू को नहीं बताया मेरे अबू को मेरे कजन ने बताया तो जिसपे मेरे अबू ने कहा इसको पोलो के कभी कोई लड़की मोटरसाइकिल चलाती है कभी देखा है इसने ये कौन सा शौक है इसीलिए कभी ये आ, मैंने इसके बारे में नहीं किया बिकॉज होता यह था कि जारी बता चोरी से ही शुरू होती थी अब स्निकली करते हैं नहीं। <laughs> और मैं साल अब... तो अबू है, की, तो की बाइक उसको पहले गेयर पे चलाती रहती थी और ऐसे वो स्टार्टिंग तो ऐसी होती है ना आपके कहीं ना कहीं झटके तो मेरे अब्बू आके बहुत डांटते थे और मुझे आज भी याद है मेरी मेरे अब्बू हयात नहीं है लेकिन यह कि वो मुझे अम्मी और मेरी वो जो मेमोरी है वो उस वक्त की है कभी किसी लड़की को देखा है बाइक चलाते हुए कभी देखा है कोई लड़की बाइक इस ये कौन सी लड़की पैदा हो गई है जो बाइक चलाती है, है। बहुत अच्छा। जलालत हुई बहुत जलील किया गया मुझे अच्छा। और मुझे लगा कि मैं मतलब कोई अवारा तरीन लड़की हूँ और मुझे इतने ताने मिले अपनी फैमिली की तरफ से इसके हाथ वो खराब हो जाएंगे इसके मुंह पे कट पड़ जाएंगे कहीं गिरेगी चोट लगेगी फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी बाइकिंग फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं होते थे कि जी ठीक है अपने माँ बाप के अगेंस्ट आप चलें हर चीज बंद हो जाएगी आपको खाना पीना बंद हो जाएगा आपका तो, तो फिर उसके बाद चलानी है आप चला लेंगी, आ, सिर्फ ऐसा करेंगे हम डमी को बुला लेते हैं लेकिन थोड़ा सा बस ब्रेक लगानी है मैं तो जैसे पागल नहीं हो गई बेहोश हो गई आप मुझे बाइक कोई मुझे मौका दे बाइक चलाने का हालांकि वो छोटा सा शॉर्ट है

फाइनेंशली इंडिपेंडेंट सो आई कैन डू दैट इवन यू नो मैं तो तब से कर रही हूँ जब मैं बाइक सेवेंटी तक नहीं खरीद सकती सही, थी सही, सही, तो उस वक्त से मुझे शौक था अब तो मैं खरीद भी सकती हूँ देन जब मैं खरीदने की मतलब उसमें आई

थोड़ा फ्रेंडली नहीं है फीमेल फ्रेंडली नहीं है कि हम लोग बहुत इजीली रोम अराउंड रोम अराउंड कर सकें तो उस वजह से मैं बड़ा बच बचा के रहती हूँ इन अ वे एंड आई डू बाइकिंग आई डू वेरी एक्सक्लूसिवली अच्छा दो तीन हमने इवेंट भी अटेंड किए हैं हार्ले है। के साथ यू नो ऑफ हार्ले स्टोर इमरान भाई सच अर्सन इन फैक्ट वो खुद भी बाइकर भी हैं और वो प्रमोट भी बड़ा करते रहते हैं उन लोगों को जो इस ऐसा शौक रखते हैं बिल्कुल ठीक इसमें यह भी बताया जाता है कि आपने अपनी सेफ्टी अपनी प्रिकॉशंस को कैसे मेंटेन करना है देन हाउ यू डू स्टार्ट डूइंग बाइकिंग सही आई थिंक यू आर वेरी राइट और यू वर्च पॉजिटिव मैसेज है उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो एस्पायर करते हैं चीज़ों को कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी शौक तो आपको हर गली मोहल्ले में मिलेगा ये इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारी लड़कियाँ मुझे मैसेज uh, करती रहती हैं इनबॉक्स में में थैंक uh, यू करती रहती हैं सम टाइम मैं एयरपोर्ट पर किसी ग्रुप से मिली थी वो लड़कियों का ग्रुप था वो बाइकिंग का उनका सेवेंटी का है, है। uh, उनके पास बाइक्स होती हैं और मुझे कह रही थी कि uh, उनमें से दो तीन लड़कियां थी वो ख्वाहिश रखती थी कि हम हार ले लें तो हम कैसे ले सकते मैंने इनसे पूछा भी मैंने कहा भाई कोई आसान सा तरीका बताएं इतनी महंगी तो नहीं हर कोई ले सकता ना ऑब्वियसली यू नो मैं ये समझती हूँ कि देखिए एक सिर्फ शौक नहीं है एक ज़रूरत है आज की सही है बाइकिंग आनी चाहिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप हाल ले लें लेकिन मैं लड़कियों को प्रमोट करना चाहती हूँ इट्स ओके टू हैव अ पैशन लाइक दिस इट्स ओके टू यू नो है माइंड सेट लाइक दिस मैं किसी को रिबेलियस uh, की तरफ नहीं uh, करना चाह रही कि आप रिबेल हो जाएं और आप अपने घर वालों के अगेंस्ट हो जाए नहीं मेरी उन लड़कियों के लिए मैसेज नहीं है मेरी उन तमाम गार्डियन उन पेरेंट्स के लिए है प्लीज़ उनको सपोर्ट करें उनको इंक्रेज करें वो थोड़ी सी शाबाश देते हैं अगर आप समझते हैं साथ खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं गिर जाए तो मजाक नहीं उड़ाएं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि अगर लड़की से बाइक बंद हो जाए ना तो आदमी मुड़ के हंसने शुरू हो जाते हैं एंड आई हैव सीन दिस विद विद माय ओन के यार इट्स फाइन आदमी से भी तो बंद हो हो सकती सकती है है किसी से भी, भी तो ये चीज़ें खत्म करें नहीं वैसे भी गवर्नमेंट ने भी ये बड़े अच्छी स्कीम शुरू की व्हील्स के नाम से भी शुरू किए हुए हैं दो तीन और इनिशिएटिव है जिसमें बेसिक पॉइंट यही है कि औरतों को जो मोबिलिटी दी जाए उनकी जो डिपेंडेंस है ऑन द मेल मेंस के उन्होंने दूध दही भी लेके आना है तो वो बच्चा लेके दही का तो उस पर डिपेंडेंट है तो वो खत्म करें अच्छी चीज है देखें जब गवर्नमेंट लेवल पर इस पर इनिशिएटिव लिया जाएगा इस पर प्र, इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो नेचुरली लोगों में एक अवेयरनेस आएगी एक वो हम कहते हैं ना शुरू आएगा क्योंकि इससे कोई एजुकेशन का तल्लुक़ नहीं है हमारी सोसाइटी के शूर से बहुत एजुकेटेड लोगों को मैंने बहुत यू नो वाले काम करते दिया हाँ एक बिल्कुल बनीथ लेवल देखा है कि बिल्कुल उन्होंने ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो मैं अक्सर मेरे साथ गाड़ी में मुझे आ,

ना बाइक पर रेस्क्यू करने की जरूरत ना पड़े तो वो हमें ख्याल सोसाइटी ये चीज देखने की जरूरत है कि सड़क पर मौजूद कोई भी औरत साइकिल हो मोटरसाइकिल पैदल पे पे हो वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती जिम्मेदारी है हम सब के लिए तो हमारे अपने घर वाले भी हैं फैमिली हैं यही यही अवेयरनेस और शऊर देने की जरूरत है उनको आप कॉन्फिडेंस दें एजुकेशन के साथ आप उनका एतमाद खुद एतमादी भी बढ़ाएं और वो किसी भी स्किल के थ्रू जरूर होगी एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल तो ये तो वैसे भी आज की जरूरत है और इसमें अगर जब गवर्नमेंट लेवल पर इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो नेचुरली इस पर बड़ा फर्क पड़ेगा मेरा ख्याल हम लोगों ने बहुत ज्यादा वो बातें कर ली लोगों को सबक देने वाली अच्छा अब आप, आपका जो भी करंट बाइक है इसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि लोगों को इंटरेस्ट होता है सो so, ये फैट बॉब है और मॉडल अच्छा और ये 17 सीची है। सीची है। सीची तो ये तो से 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 डबल से भी ऊपर आपने जाके दोबारा मारी इसकी इसकी क्या रीजन थी थी फैट Basically, मेरा एक ग्रुप है के के नाम उसमें कुछ लोगों के पास फैट थी। फैट मी। मुझे इसकी जो है इसका जो आपने देखा होगा ये जो जो इसका तो याद आता है हमेशा देख के जब भी से तो इसको मतलब 8 -8 भी मैं हमेशा कहता चलो एंट्री लेवल है बट फैट बॉब इज समथिंग सीरियस इसका जो वेट है मतलब अगर मेरे ऊपर भी ये गिरे तो मैं नहीं उठा सकता नो दिस इज फॉर इजी मैंने एक दफा किया था कि आया पूजा को गलती से मैं एक स्टैंड लगाना भूल गया था और जब मैं उसके नीचे था तो मुझे पता लग गया था कि उसको ऊपर कैसे लाना है अगर चलानी आती हो तो हाँ। कुछ नहीं होता तो so, सेल्फी के लिए ना हो अगर आपको बाइक चलानी आती हो देन यू गो आपने अक्सर लड़कियों की सेल्फी देखी होगी फैट बॉब के साथ मैं वो भी नहीं देखता आप नहीं देखते यहाँ पर मेरे को बचा रहे होंगे <laughs> बट <बर> देखते होंगे <laughs> नहीं नहीं वैसे जनरली मैं ये बाइक करो कि इतनी सीरियस बाइक के लिए ये वन हैज़ टू बी रियली पैशनेट अबाउट इट एंड मेरे ख्याल से बड़ी कमेंडेबल बात है कि मतलब वो आपसे मैं एग्री करता हूँ कि जितनी बड़ी मशीन होती है उतने उसके अंदर पर्क ज़्यादा है उतनी उसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा है उतनी आपकी सेफ्टी भी ज़्यादा है और उसको मनोवर करना भी आसान है अक्सर उम्र से पूछते हैं कि जी आप फलानी चीज़ लाते हैं कैसे चलाते हैं मैं हमेशा कहता हैं जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी आसान भी होती जाएगी उतनी स्मूथ भी हो जाएगी उसमें लाइज ऑप्शन ज़्यादा होती थी बट दिस इज समथिंग रियली सीरियस और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है एंड आई लाइक टू विश यू गुड लक थैंक यू वेरी मच सना फॉर यूर टाइम सो वीज ये था वीज ऑफ पाकिस्तान का एपिसोड जिसमें हमने आपको सना का 70 सी सी से लेके 1700 हंड्रेड तक का जो सफ़र है वो बताया कि उन्होंने अपनी बाइकिंग की जो जर्नी है वो कैसे शुरू की और कहाँ तक वो आज वह है